बैसा में मनरेगा अंतर्गत वन महोत्सव सह वृक्षारोपण अभियान के तहत बैसा प्रखंड में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रवीज आलम ने की। वन महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मनीष कुमार ने ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों को कहा है कि पेड़ से केवल लाभ ही लाभ मिलता है। पेड़ पर्यावरण की शुद्धता के साथ मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। पेड़ों की कमी होने से तेजी से बढ़ रही प्रदूषण के कारण मौसम चक्र बिगड़ गया है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रत्येक आदमी को पौधारोपण करना आवश्यक है। मेरी उम्मीद है कि ये कायापलट कर देंगे, निश्चित रूप से एक नया जीवन इस प्रखंड को देने का काम करेंगे। बचपन में जब पढ़ाया करता तो मुझे पेड़ से बहुत प्रेम था। एक छोटी सी बच्ची काजल नाम था उसका, उन्होंने कहा कि सर पेड़ पर या वृक्ष पर हमको फूल बहुत पसंद है। फूल पर एक कविता लिखी, ये मेरी अपनी कविता है, मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगा। ये प्रकृति की यह शोभा कहता, कांटों के ही बीच में रहता, सबके दिलों को जो भा जाता है, बहारें चमन में जो लाता है, सुंदर सुंदर खुशियां ही खुशियां है वहां, सुंदर सुंदर। क्या प्रतिनिधि मालोपाड़ा जिला परिषद एवं सभी पीओ साहब सभी कर्मीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के उपस्थित साथी, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पूरे बिहार में हो रहा है। पूर्व में पहले राज्य स्तर पे किया गया है, उसके बाद इसको जो है जिला स्तर पे आयोजित किया गया है, और आज जो है प्रखंड स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद फिर ये पंचायत स्तर पे भी होना है। इसके अंतर्गत मुख्य तौर पर जो है पर्यावरण पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो समाज में जो है विकास के दौर में जो है वृक्ष जो है बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया और नई बस्तियों को बसाया गया है। तो ये सरकार का एक अभियान है कि इस अभियान के तहत अधिक से अधिक वृक्ष जो है लगाया जा सके और पर्यावरण को जो है बचाया जा सके। पर्यावरण को दूषित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको कि जो वृक्ष होता है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है।